नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूँ प्रीति सिंह। आज हम बात करेंगे कोरोना और हृदय यानी हमारे दिल पर उसके असर की। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद भी लोगों को कई प्रकार की समस्या हो रही है। इनमें सबसे अधिक संख्या सांस की परेशानी से पीड़ित लोगों की है। ये वायरस हृदय यानी हमारे दिल को भी प्रभावित कर रहा है। स्वस्थ होने वाले मरीजों के हृदय के कार्य करने की प्रणाली में कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। यानी कोरोना सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं दिल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आखिर क्या है इसकी वजह, किस तरह की दिक्कत ये वायरस पैदा कर रहा है, क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए और कैसे अपने दिल को मजबूत रखा जाए, इन तमाम पहलुओं पर हम आज आयुष्मान भव के इस अंक में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर विजय कुमार त्रेहन, डायरेक्टर प्रोफेसर कार्डियोलॉजी जीबी पंत अस्पताल में, साथ ही डॉक्टर अंबुज रॉय जो प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी एम्स में। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आयुष्मान भव में शामिल होने के लिए। दरअसल कोविड 19 संक्रमण से नसों में सूजन आने की समस्या हो रही है, जिसके चलते खून का थक्का जमने का डर रहता है और इस वजह से कई लोगों को हृदय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोविड 19 से संक्रमित लोगों के लिए ये वायरस कई तरह की परेशानियों का सबब बन रहा है। कोरोना वायरस सीधे हृदय पर भी हमला कर सकता है। हर उम्र के लोगों में घातक बीमारी से रिकवरी के बाद भी हृदय संबंधी समस्याएं देखी जा रही हैं। डॉक्टरों के अनुसार अस्पतालों में ऐसे युवाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है जो संक्रमण से ठीक होने के बाद कार्डिक समस्याओं की वजह से अस्पताल आ रहे हैं। इनमें सबसे आम घबराहट या हृदय गति का बढ़ना है। वहीं कुछ मामलों में कार्डिक अरेस्ट या दिल का दौरा भी देखा गया है। हालांकि कोविड 19 का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर दिखा है, लेकिन अब ऐसा भी सामने आ रहा है कि वायरस से हृदय पर भी गहरा असर पड़ा है। ये मौजूदा हृदय रोगों से ग्रसित रोगियों के लिए भी गंभीर खतरा तो है ही, साथ ही जिन लोगों को पहले से दिल से जुड़ी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही, उनमें भी कोरोना संक्रमण के बाद तकलीफ देखी गई है। ज्यादातर लोग सांस में तकलीफ और घबराहट की समस्या लेकर अस्पताल आ रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण हृदय की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जिससे दिल का दौरा या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। दरअसल कोविड-19 संक्रमण के कारण हृदय में रक्त के थक्के बन जाते हैं और कई मामलों में ये हृदय में सूजन भी पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि वायरस से संक्रमित रोगी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी सूजन बनी रहती है, जिससे समस्या गंभीर हो सकती है। तो कोरोना वायरस और उसके हृदय पर असर को लेकर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्रेहन, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कोरोना वायरस संक्रमण और उसके हृदय पर असर को लेकर क्या बड़ी बातें अब तक सामने आई हैं? देखो, अगर कोरोना की जो बीमारी करीबन एक साल मुझे लगता हो गया इसका मोर ऑर लेस, और ये एक साल का जो पीरियड वैसे तो बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन किसी भी बीमारी को जो नई बीमारी अगर आई है उसको समझने के लिए मैं समझता हूँ बहुत छोटा पीरियड है। और हालांकि आजकल आईटी फास्ट हो गई, हम एक इन्फॉर्मेशन को आते हैं बड़ी जल्दी स्प्रेड भी कर जाती है, लेकिन जो रियल चीज़ है वो है कि आज हम जो आज बोल रहे हैं समझ रहे हैं, मे बी आने वाले एक दो महीने के अंदर या थोड़े लंबे अरसे के बाद वो शायद सब कुछ ही गलत हो। अब तक हम जो समझ पाए हैं वो ये समझ पाए हैं कि ये जब पहले ये कोरोना वायरस की बीमारी आई थी तब ये लगता था कि शायद ये फेफड़ों के निमोनिया जैसे फ्लू होता है उस ढंग की बीमारी है, लेकिन कुछ देर के बाद ये समझेगा कि नहीं, बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना गया था वो था हार्ट, उसके बाद ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स भी माने गए हैं। अब इन ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट शुरू में हम ये समझते थे जब जैसे वुहान के अंदर जब ये बीमारी पैदा हुई स्टार्ट हुई थी तब ये समझते थे कि जो पेशेंट बड़े सिक हो गए हैं, जो भर्ती हो गए हैं और भर्ती होने के बाद उनकी सांस इतना खराब हो गया कि उनको वेंटिलेटर पर ले जाना पड़े, उनमें से कुछ लोगों के अंदर 8-10% के अंदर ये देखा गया था कि हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है अलग अलग तरीकों से, ECG से, इको से, स्कैन से और ब्लड टेस्टों से। लेकिन अब एक साल के बाद अगर हम बोलें कि 8-10% मरीजों में हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है तो मैं बोलूंगा नहीं, ये संख्या शायद काफी ज्यादा है। और एक स्टडी जर्मनी से आई थी, उसमें तो उन्होंने करीबन 80% लोगों के अंदर ये बताया कि अगर आप MRI स्कैन करो तो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है। तो हम अगर ये बोलें कि क्या कोरोना वायरस हार्ट को इन्वॉल्व करता है, यस, कितनों में इन्वॉल्व करता है, 80% में इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन क्या 80% में जिसमें हार्ट इन्वॉल्व हो गया MRI स्कैन से, क्या उसका क्या मतलब है? अभी शायद ये बताना बड़ा आई थिंक बहुत प्रीमेच्योर होगा कि उसका क्या मतलब है। क्या ये सिर्फ MRI तक सीमित है? उसमें आगे उससे आने वाले टाइम में हो सकता है उसको कुछ भी ना हो, हील कर जाए बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ संख्या में कुछ लोगों को हार्ट आने वाले टाइम में फैल जाए, खराब हो जाए, हार्ट फेलियर में मरीज चले जाए, उनको हार्ट अटैक होने शुरू हो जाए, उनको सडन डेथ होनी शुरू हो जाए,
और ये जो उसके बाद वाली बात है, ये इनफैक्ट स्टार्ट पहले ऐसे हुआ था कि कोई एक बास्केटबॉल का जो अच्छा तगड़ा प्लेयर था उसकी, यानी जुलाई के अंदर पॉजिटिव हुआ, अगस्त के अंदर उसको जाके ही स्टार्टेड वर्किंग, खेलना शुरू किया और उसकी सडन डेथ होगी। तो फिर ये रियलाइज किया कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद भी ये प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। जब कोरोना से आपके कोरोना के सारे सिम्टम ठीक हो गए हैं, आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गए हैं, तो भी ये बीमारी आपके अंदर घर कर सकती है, और वो ऐसे घर कर सकती है कि हार्ट फेल हो जाए, सडन हार्ट बंद हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए। तो अभी बहुत ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं वेल हार्ट काफी लोगों में इन्वॉल्व हो सकता है और कुछ में सीरियसली। अच्छा ठीक है डॉक्टर रॉय, आप क्या कहेंगे इसे लेकर, क्या आप समझ पाए हैं अब तक आप हृदय पर असर किस हद तक कोरोना वायरस संक्रमण का हो सकता है और क्या ये लंबे समय तक रह सकता है? जी एक्चुअली ज्यादातर डॉक्टर त्रेहान ने सब कुछ बताया आपको। मैं दो तीन चीजें इसमें ऐड करूंगा कि अधिकांश जो हार्ट के इन्वॉल्वमेंट हुई है वो जो जिनको तीव्र तरह का कोविड होता है, जो आईसीयू में रहते हैं, उनमें ही ज्यादातर देखा गया है। जो ये एनेक्डोट्स हैं या फिर जिसको उपाख्यान कहते हैं, ऐसे हैं जिनमें सडन डेथ हुआ, ये हुआ, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन है। और अब जो हम धीरे धीरे समझे हैं, पहले काफी ज्यादा डर था इस बीमारी का, अब हमने देखा है कि खास करके इंडिया में ये उतनी तीव्र तरह के नहीं है फॉर्चुनेटली। तो और हार्ट की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर है। तो इस मेरा ये मानना है कि थोड़ी सी जो घबराहट और डर जो फैला है उसको कम करने की आवश्यकता है। हाँ, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन जैसे जिनको मामूली कोविड है, जो होम आइसोलेशन में जिनको देखा गया है, तो वो कई रिसर्च ने अब बिल्कुल दिखा दिया कि उनमें हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होने की चांस करीब करीब नहीं के बराबर है। तो जो तीव्र तरह के हैं, जो आईसीयू में है, हाँ, उनमें करीब एक तिहाई तक लोगों में हार्ट की कुछ ना कुछ तरह की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लेकिन उसको भी अब जैसे कि हम लोग रूटीनली एंटीकोगुलेशन ब्लड थिनर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोविड में शुरू शुरू में देखा गया कि खून के थक्के बनते हैं और वो जाके आपके अगर धमनी में वो ब्लॉकेज कर दें तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो अब बहुत जल्दी हम एंटीकोगुलेशन या ब्लड थिनर शुरू कर देते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी काफी हद तक हम कम कर पाए हैं। तो एक तो ये है, बट दूसरा ये है कि हाँ, कोविड से रिकवर होने के बाद भी खास करके जो हृदय के रोगी हैं या जिससे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, उनमें आगे चल के हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ा देता है, क्योंकि कोविड एक इन्फ्लेमेशन है एक तरह का, और हार्ट की अटैक भी इन्फ्लेमेशन से होती है। तो ऐसे में एक चीज बहुत जरूरी मैं बताना चाहूंगा जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कोविड से ज्यादा, कि जो ऐसे वाले मरीज हैं उनको अपने ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, हार्ट की दवाई बहुत रिजिडली लेनी चाहिए, और कोविड का जितना ध्यान रखना चाहिए उतनी ही ध्यान हार्ट की बीमारी का भी रखना चाहिए, ताकि उनको हार्ट अटैक वगैरह कम किया जा सके। तो ऐसे मरीज जो हैं वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के से कांटेक्ट में रहें, और अपनी सारी दवाइयां जो अगर वो रेगुलर ले रहे हैं हार्ट की, वो जरूर लेते रहें, वो बहुत जरूरी मैसेज जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर त्रेहन, थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालिए कि जिन लोगों के दिल पर, हृदय पर असर देखा जा रहा है, क्या उनमें उम्र एक तरह से कहें वो क्या कम उम्र के लोग भी थे या ज़्यादा उम्र के लोग भी थे, या फिर हम ये माने कि जिन्हें पहले से ही कोई दिक्कत थी उनके हृदय पर ही असर दिखा, या पूर्ण रूप से स्वस्थ लोगों के दिल पर भी कुछ ना कुछ असर कोरोना संक्रमण का दिखा है, इनको लेकर क्या क्या बातें सामने आई? मैं एक दो चीज आपको मेरे सामान्य तरीके से बताना चाहूंगा। एक तो हार्ट के जो मरीज हैं जी, उनके अंदर ज्यादा इस तरह का एक दहशत सी फैल गई कि मुझे कोरोना होगा। तो लेट मी टेल यू, हार्ट के कोई भी अगर उसको हार्ट यानी कि हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट अटैक हुए हैं, स्टेंट डले हुए हैं, बाईपास सर्जरी होगी, कुछ भी है उसको, हार्ट वेल डले हुए हैं, पेसमेकर डला हुआ है, अगर वो समझे कि मुझे कोरोना जल्दी अटैक करेगा, नो, कोरोना का जो अटैक है वो इस चीज पे डिपेंड करता है आपको कोरोना देने वाला कौन है, वो कितनी वायरस स्प्रेड करने की पोजीशन में, अगर तो उसको उसके अंदर उसमें वायरस काफी प्रज्वलित है, वो ज्यादा डिस्चार्ज कर रहा है आपको देगा, और आप उसके कितना नजदीक है, और आपने रोकने के बैरियर वाले मेथड क्या अपनाए, यानी मास्किंग और डिस्टेंस और बाकी चीजें, आप जो हाथ धोना वगैरह वो आप कितना कर रहे हैं, अगर वो सही ढंग से आप कर रहे हैं तो आपको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होने का उतना ही चांस है जितना कि जिस मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, नंबर वन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मेथड एक आम बंदे में कारगर जितना होते हैं वो आप में भी कारगर हो रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अगर हार्ट के मरीज हैं तो ये मेथड उतने कामयाब नहीं होंगे, अगर आप हाथ धो रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं एंड सो ऑन,
तो वो उतना ही इफेक्टिव है जितना कि जनरल पॉपुलेशन है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपके अंदर कोरोना वायरस चला गया तब आपको क्या होगा? अब कोरोना वायरस क्या कर सकता है? एक तो वो आपके अंदर हार्ट की डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, और दूसरा है कि अगर आपके अंदर ऑलरेडी हार्ट डिजीज है तो वो उस हार्ट डिजीज की प्रेजेंस के अंदर आपकी जान लेने की क्षमता ज्यादा रखता है, जो अभी तक देखा गया है। और अगर हम देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वृद्ध अवस्था वाले लोग हैं, जो 70-80-90 साल या इससे ऊपर की उम्र के लोग हैं, उनके अंदर डेथ के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि मृत्यु उनमें ज्यादा हो रही है। और इंसिडेंटली इन सभी मरीजों के अंदर हार्ट की, बीपी की, शुगर की, सारी बीमारियां इकट्ठी हैं। तो ये इस चीज को शायद कहना उतना आसान नहीं है क्या कि उम्र के साथ ही ये कोरोना वायरस आपको मृत्यु लेने की क्षमता ज्यादा कर रही है या इन बीमारियों की प्रेजेंस में कर रही है। आई थिंक दोनों मिलजुल के, यानी कि अगर आपकी उम्र ज्यादा बढ़ी हुई है और आपको हार्ट की या इस तरह की कोई एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपका शरीर कमजोर है, तो आपकी शरीर के ऊपर कोरोना का घातक प्रहार होके आपकी जान जाने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन जब कोरोना वायरस आया और कोरोना वायरस ने अपनी आपके अंदर प्रॉब्लम की, यानी कि फीवर किया, कफ किया, जो उसके रूटीन सिम्टम्स होते हैं, सांस में कुछ दिक्कत आ गई या सूंघने में या स्वाद में कुछ दिक्कत आ गई, फिर कोरोना वायरस यूजली 10 दिन के अंदर वायरस जो है वो बॉडी से क्लियर हो जाता है, 2 हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाता है, नॉर्मली बॉडी उसको क्लियर कर देती है। लेकिन जब बॉडी से वायरस क्लियर हो गया उसके बाद भी आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वो इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये जो इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखा गया कि ये प्रॉब्लम नॉट नेसेसरली ये ओल्ड बंदों में है, ये यंग के अंदर भी आती है, और यंग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत छोटे बच्चों में भी आ सकती है। अच्छा। यानी कि हाँ, बिल्कुल छोटे बच्चों के अंदर, स्कूल गोइंग है उससे प्री स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर भी आ सकती है। और इसी प्रकार की एक बीमारी जानी जाती थी पहले, कावासाकी डिजीज, जिसमें कि कोई भी वायरल इलनेस, किसी भी तरह का वायरल फीवर हुआ, उसके बाद बच्चे का मुंह लाल हो गया, लिप्स लाल हो गए, टंग लाल हो गई, आंखें लाल हो गई, और स्किन के ऊपर रैश आ गया, और छोटी छोटी जो गांठें बनती है वो गांठें बन गई। इस तरह की तकलीफ में जो ये सिम्टम्स हैं फीवर के साथ, यानी कि शरीर के ऊपर धब्बे पड़ जाना, इसके साथ साथ इनके अंदर हार्ट की नाड़ियों के अंदर भी या तो सुकड़न या स्वेलिंग, यानी कि नाड़ियां फूल जाना, ये एक तरह की कावासाकी नाम की बीमारी थी जो किसी भी वायरल इलनेस में होती थी और वायरल इलनेस हो जाने के बाद होती थी। तो वो वाली प्रॉब्लम अब हमने कोरोना के अंदर भी देखनी शुरू कर दी, यानी कि कोरोना वायरस चली गई, आम बच्चा कोरोना वायरस से ठीक हो गया, और अब उस बच्चे के अंदर ये दोबारा से फीवर, स्किन रैश, टंग या आंखों का लाल हो जाना, ये इस तरह की आनी शुरू होगी। इसी प्रकार से जो यंग बंदे हैं, जो यंग एथलीट्स हैं, जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, यानी कि उनको कोरोना वायरस हुआ, फीवर हुआ, और उसके बाद 10 दिन ठीक हो गए, जैसे मैं आपको भी एक एग्जांपल बताया, एक वर्ल्ड क्लास बास्केटबॉलर का, लेकिन इस प्रकार के कई और भी रहे हैं एथलीट जो फुटबॉल या और बाकी एक्टिव, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी वाली गेम्स के अंदर रहे हैं, उनके अंदर कोरोना हुआ और कोरोना होने के बाद ठीक हो गया, और ठीक हो जाने के बाद महीने या 2 महीने के बाद उनको फिर कैसे पता लगा कि सांस ज्यादा फूलना शुरू हो गया, या पहले सांस नहीं फूलता था अब सांस फूलना शुरू हो गया, या हार्ट की बीट मिस होनी शुरू हो गई, या हार्ट काफी स्लो हो गया। तो इस प्रकार की जो इलनेस है ये इसके लिए नेसेसरी नहीं है कि आपको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम हो। यंगर पर्सन में भी कोरोना वायरस आपके शरीर में इम्यूनिटी के कारण एक प्रॉब्लम कर सकती है, जो कि कोरोना वायरस जाने के हफ्ते, 2 हफ्ते या 2 महीने तक भी आपको इस प्रकार के वो हार्ट में विकार ला सकते हैं, जो कि फेटल भी हो सकते हैं, और छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और यंगर पॉपुलेशन एथलेटिक भी इन्वॉल्व हो सकती है, यानी कि नॉन नेसेसरली कि आप बीमार हो, हेल्दी बंदे के अंदर भी ये इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, और डॉक्टर रॉय वजह क्या होती है? जैसे ज्यादातर हम ये मानते थे कि फेफड़ों को चपेट में लेता है कोरोना वायरस, लेकिन वजह क्या है जो पता लग पाया है? नलियों में सूजन आती है, इस वजह से हृदय पर असर पड़ता है, वजह क्या होती है इसके पीछे? और जैसे अभी डॉक्टर त्रेहन बता रहे थे कि सांस फूलने की शिकायत लेकर लोग आए, ऐसे क्या लक्षण हैं जो दिखाई दें तो ये समझना चाहिए कि हमारे दिल पर भी बुरा असर हो रहा है इस वायरस का? जी, तो वजह 2-3 है। एक तो ज्यादातर वजह यह होती है कि जैसे हमने बताया, पहले वायरेमिया होता है, वायरस होता है, फिर बॉडी उसको काउंटर करता है, जिसको हम कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एक्ट करती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत तेज तरीके से, तीव्र तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है, जिसको हम साइटोकाइन काइन स्टॉर्म कहते हैं। तो ज्यादातर दिक्कतें उस फेज में आती हैं जब बहुत तगड़ा साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, वो किसी में भी हो सकता है, यंग लोगों का भी रिस्पॉन्स बहुत तेज होता है, तो जब ये साइटोकाइन स्टॉर्म बहुत तगड़ा होता है तो हार्ट के ऊपर असर पड़ सकती है, हार्ट की जो मसल्स हैं उस पर असर पड़ सकता है, और
कई तरह के दिक्कतें आ सकती है, हार्ट की गति पे भी दिक्कत आ सकती है। देखा गया है कि आपकी हार्ट में मिस्ड बीट्स आते हैं, वेंट्रिकुलर अरिथमिया या एट्रियल फिब्रिलेशन जिसको कहते हैं, हार्ट की गति तेज हो जाना, वो हो सकता है। जैसे पहले मैंने बोला खून में के धक्के बनने के चांस रहते हैं, और अगर ये दिल की धमनियों में बना तो उस समय हार्ट अटैक के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो ये जो बॉडी का खुद अपना रिएक्शन है वायरस को, उस समय सबसे ज्यादा चांस रहता है कि हार्ट की दिक्कतें आए, और वो खास करके उन मरीजों में जिन जो आईसीयू में है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनमें ज्यादातर देखा गया है। जो मैंने पहले भी कहा, जो होम आइसोलेशन पे हैं, जिनको माइल्ड सिम्टम है, खांसी है, शरीर का दर्द है, उनमें ये नहीं के बराबर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। और दूसरा फेज आता है जब बहुत लेट, जो डॉक्टर त्रेहान बता रहे थे आपको कि एक महीने दो महीने बाद भी, ये MRI स्टडीज में देखा गया कि हार्ट के मसल्स में थोड़े थोड़े इन्वॉल्वमेंट है। बट मैं ये कहना चाहूंगा MRI एक बहुत ही पावरफुल टूल है और बहुत छोटी छोटी चीजें भी पकड़ लेता है। तो उसकी क्या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है अभी हमें नहीं पता। मेरे हिसाब से ज्यादातर वो सेल्फ हीलिंग हो जाएगी और वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये खैर समय ही बताएगा। बट वो हार्ट पे असर छोड़ता जरूर है थोड़ा बहुत, बट इस क्या ये खतरनाक होगा ये इस समय बोलना मुश्किल। ठीक है ठीक है। और डॉक्टर त्रेहन, मैं चाहूँगी आप सिम्टम्स को लेकर थोड़ा और बताएं कि क्या सिम्टम्स पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है और डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह के बातें आप लोगों ने बताई हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर जो पहले से हृदय संबंधी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, वो अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, तो उन्हें फिर होम आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए, अस्पताल का ही रुख करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। देखो, ऐसा है कि अगर आप हार्ट के मरीजों की संख्या गिने, तो आई थिंक उसकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या इतनी नहीं है, और हार्ट के मरीज अगर हार्ट की प्रॉब्लम को सही ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम से डेथ होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए अपनी दवाइयां या बाकी जो प्रिकॉशन रखनी बड़ी जरूरी है। ठीक है। और जहां तक यह है कि क्या आपको हार्ट की प्रॉब्लम, आपको अगर कोरोना वायरस की प्रॉब्लम होगी तो आप अस्पताल में जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको स्टेंट डले हैं, आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, आपके पेसमेकर लगा हुआ है, आपको बीपी है, आपको शुगर है, उसका ये मतलब नहीं आपको कोरोना है तो आप अस्पताल में दौड़े, नहीं, आप घर पर अपना इलाज करा सकते हैं। उसमें ऐसा है कि अगर आपको, आप घर में अपना इलाज कर रहे हैं, यानी कि इलाज में क्या, आप बेसिकली तो अपने आपको, आप फीवर को हैंडल करने के लिए और अपने आपको रेस्ट करने की पोजिशन में रखेंगे और डाइट अपनी ठीक करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप घर पर हैं और आपको दम फूलना शुरू करता है, या आपको पैरों में सोजिश आने शुरू जाती है, या आप अपना जो आजकल रिकमेंड करते हैं कि जो भी बंदा घर पर अगर अपने आप अपनी होम आइसोलेशन पे ट्रीटमेंट कर रहा है, तो अपनी बॉडी के अंदर कितनी ऑक्सीजन है उस पर एक निगरानी बना के रखे। उसकी निगरानी के लिए वो आपके फिंगर के ऊपर लगाने के लिए सो कॉल्ड पल्स ऑक्स बोलते हैं उसको, जिससे कि हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन है उससे पता लगती रहती है। तो वो उस पर निगाह रखे अपनी, इसकी उतनी ऑक्सीजन कितनी है उसके अंदर, और अगर आपकी ऑक्सीजन 95 यानी कि 100 में से 95% से भी अगर ऊपर है आपकी, और वो 95% से ज्यादा आपकी रहती है, भले ही आप टहल भी लो घर में, अगर आप 5-7 मिनट थोड़ा तेज चल लें घर के अंदर ही, और फिर उसके बाद फिंगर पे लगा के देखें, अगर वो 95% से ज्यादा है, तो इसका मतलब मोटे तौर के ऊपर आपका जो सिस्टम है वो ऑक्सीजनेशन ठीक कर रहा है, तो आपको अस्पताल में दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपकी सेचुरेशन एक्सरसाइज के बाद ड्रॉप करती है, या बिना एक्सरसाइज के भी आपकी सेचुरेशन मान लो 80s में आ रही है, 86-87 ऐसे करके आ रही है, आपकी सांस की स्पीड बढ़ गई है, जो हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि मेरी भी एक मिनट में मैं 12 ब्रेथ लेता हूँ या 15 ब्रेथ लेता हूँ, मान लो उसकी ब्रीदिंग की स्पीड बढ़ जाती है, ऐसे उसकी पल्स की स्पीड बहुत घट जाए या बहुत तेज हो जाए, या उसको चेस्ट पेन होनी शुरू हो जाए, तो आई थिंक इस प्रकार के अगर सिम्टम है तो उसको जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपका मान लो आपकी वायरल इलनेस थी माइल्ड या मॉडरेट वेराइटी की थी, जिसमें कि आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी अस्पताल में, आप ठीक हो गए, आपने 2 सप्ताह के बाद RT-PCR करा, आपका RT-PCR नेगेटिव है, अब आप ठीक ठाक अपना 2 हफ्ते के आराम के बाद आप फिर, यानी कि 1 महीने के बाद आपने काम करना शुरू कर दिया, अब आपको सांस फूलना शुरू हो गया, या आपको हल्का फुल्का सांस फूलता था वो बढ़ गया आपको, या आपकी दिल की धड़कन, जैसे हर आदमी की जो दिल की धड़कन होती है आपको पता नहीं लगती, लेकिन अगर मान लो धक 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 की जगह वो धक 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 ऐसे हो रही है, तो इसका मतलब तेज हो गई है। सिमिलरली अगर आप पल्स ऑक्स लगा के देखते हैं, वहां आपकी पल्स आपको 75-80 के बीच में आ रही थी, और आप सडनली नोट करते हैं तो 35 हो गई है, तो आपको या आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई है, पेट में स्वेलिंग आ गई है, चेस्ट में आपको पेन होगी, या आपको सोते सोते रात को उठना पड़ गया सांस के कारण, इस प्रकार के अगर आपको सिम्टम है, तो मैं समझता हूँ भले आप कोरोना से ठीक ठाक हो गए थे, अभी 4-6 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अगर आपको सांस फूल रहा है, चेस्ट पेन हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीने बहुत आ रहे हैं,
धड़कन आपकी बहुत तेज या बड़ी स्लो हो गई है, तो मेरे को लगता है आप कंसल्ट करना चाहिए, फिर डॉक्टर का देन डॉक्टर डिसाइड करेंगे ये क्या आस्खलित के सिम्टम्स हैं या हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, आई थिंक फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे, लेकिन इतने सिम्टम्स आने पर आप कंसल्ट जरूर करिए। ठीक है। और डॉक्टर रॉय, जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि अभी और शोध की एक तरह से ज़रूरत है कि क्या जो दिल पर असर है वो लंबे समय तक रहेगा या कैसा असर है, कितना ज़्यादा नुकसान और कितने लोगों पर रह सकता है, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोविड से उबर गया है और जिस तरह के केसेस आए भी हैं सामने, के हृदय पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो कितने समय तक ये प्रभाव सामने आ सकता है, कितने समय तक इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए, क्या काफी समय बाद भी ये लक्षण दिख सकते हैं? मैं ये कहूंगा कि लार्ज मेजोरिटी अधिकांश लोगों में कोई दिक्कत आने की चांस नहीं है, इसलिए इसका भय को कम करने की बहुत जरूरत है। डर जो है खास करके जो यंग है, अब एक आध केस हो जाते हैं, जैसे अब हमारे अस्पताल में अभी एक है नव युवक 18 साल का, 2-2.5 महीने पहले उसको कोविड हुआ था, अब वो काफी हार्ट सांस फूलने के साथ आया और हार्ट की पंपिंग बहुत लो थी, वो हार्ट फेलियर में था, तो उसको हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल सपोर्ट पे डाला हुआ है, पंप हार्ट में डाला है, बट ऐसे हजारों लाखों में भी एक से भी कम में ऐसा होता है, तो और ये बड़ा रेयर चांस है। मैं ये कहूंगा बिल्कुल मेजॉरिटी में अगर आप वापस नॉर्मल एक्टिविटी में आ गए, 1-2 महीने में आप सारे नॉर्मल जैसे अपनी वॉकिंग कर रहे हैं, जो रूटीन पहले प्री कोविड एक्टिविटी थी उसमें आप आ गए हैं, तो फिर कोई दुर्घटना होने की चांस ना के बराबर है, और ऐसे मरीजों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये फिर से दोबारा कहूंगा कि कोविड के दौरान खास करके हमने देखा है कि लोगों ने डर के मारे अस्पताल में नहीं आते हैं, इमरजेंसी में नहीं आते हैं, या फिर रूटीन अपने बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल हार्ट की दवाइयां उतनी रेगुलर नहीं ले पाते क्योंकि वो डॉक्टर अस्पताल नहीं जाना चाहते, उससे शायद ज्यादा नुकसान हो रहा है इस समय एज कम्पेयर टू कोविड। तो आई वुड सजेस्ट आप हॉस्पिटल नहीं आना चाहते तो टेलीमेडिसिन बहुत हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, सब अस्पतालों ने इस्तेमाल किया है, लाखों मरीजों को टेलीमेडिसिन के थ्रू देखा गया, तो आप ये कॉन्टैक्ट बनाए रखें, घर में सेल्फ मॉनिटरिंग थोड़ा कर लें अपनी पल्स बीपी की और अपने डॉक्टर को फोन पे उसका बताएं, और ताकि वो आपकी डोज दवाई एडजस्ट कर सके, ब्लड टेस्ट आप रूटीन जो कोलेस्ट्रॉल के वो कराते रहें, वो ज्यादा जरूरी है इस समय एम्फसाइज करना आपके माध्यम से, राधा दिन की कोविड की वजह से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो बहुत ही रेयर है, उसकी उसका डर मुझे लगता है कम करना। ठीक है। और डॉक्टर त्रेहन, क्योंकि बहुत जल्द अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो वैक्सीन है वो भी इस्तेमाल के लिए सामने आ जाएगी, आप क्या मानते हैं कि जो हृदय से जुड़े हुए पेशेंट्स हैं, जो हृदय के मरीज हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जानी चाहिए वैक्सीन को लेकर? नहीं, वो तो खैर देनी चाहिए, बट आई थिंक उससे ज्यादा प्रायोरिटी तो ओल्ड एज होम में जो लोग रह रहे हैं जहाँ बिल्कुल वो इकट्ठे रहते हैं, बाकी चीजें अपनी हैंडल नहीं कर पाते हैं, आई थिंक उन लोगों को ज्यादा जरूरत है, उसके बाद दिल के बाकी मरीजों की जरूरत है। लेकिन अभी वैक्सीन, आई डोंट थिंक इस प्लेटफॉर्म से हम वैक्सीन के बारे में कोई भी चीज अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन के बारे में अभी भी काफी चीजें हैं, बिल्कुल बीमारी नहीं अभी तक सही ढंग से समझ सके, तो एक वैक्सीन जो नॉर्मली 5 से 10 साल लेती थी उसको हम इतनी जल्दी बनाकर ले आए, उसकी क्या मतलब बहुत कठिन है इस समय कहना कि वैक्सीन आ जाएगी तो वैक्सीन से हम बच जाएंगे, वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होगा, आई थिंक अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उसके आगे लगे हुए हैं, कौन सी वैक्सीन ले, कैसे लें, और वो क्या वैक्सीन इफेक्टिव होगी और क्या वैक्सीन से कोई इतना सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट होगा, आई थिंक अभी ये क्वेश्चन अभी हैं सामने है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि वैक्सीन आ गई हमने लगा ली और अब कोविड खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक वैक्सीन आएगी आती रहेगी, वो चीजें करते रहेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल हैं जो किसी भी इन्फेक्शन के अंदर, खासकर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है जो सांस के जरिए जाती है, कॉमन फ्लू जो है, वो वाली प्रिकॉशन मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म से देनी बहुत जरूरी है कि वो वाली प्रिकॉशन बिल्कुल जारी रखें। वैक्सीन अगर आएगी और इफेक्टिव होगी तो शायद मिली जाएगी सबको, सरकार और साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, पर हम अपनी उस ड्यूटी से बिल्कुल पीछे ना हटें कि हमें स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोविड है उसको जरूर फॉलो करना है, और स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड ब्लड प्रेशर रिलेटेड स्ट्रोक एंड बाकी चीजें उसको जरूर फॉलो करना है। वैक्सीन जब आएगी तो मिली जाएगी आई थिंक। ठीक है डॉक्टर रॉय, आखिर में आप कुछ और सलाह देना चाहेंगे? नहीं भाई, ये कहूंगा कि सरकार एक प्रायोरिटी लिस्ट बना रही है वैक्सीन की, जैसे डॉक्टर खान ने कहा, और हार्ट के मरीज एक तो
ज्यादा उम्र के लोग रहेंगे उस प्रायोरिटी में, और दूसरे प्रायोरिटी पे हम हेल्थ केयर वर्कर्स और ये तो रहेंगे ही, बट उम्र ज्यादा आम जनता में ज्यादा उम्र के लोग और हार्ट के कुछ कुछ खास करके हार्ट फेलियर के मरीज या फिर हार्ट बाईपास स्टेंट हो चुके हैं या पहले अटैक हुआ, ये भी प्रायोरिटी में रहेंगे। और क्योंकि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनको अगर कोविड होता है तो इनकी आउटकम्स काफी खराब होते हैं, डेथ वगैरह होने के चांस ज्यादा रहती हैं, तो ये भी प्रायोरिटी में रहेंगे। लेकिन जैसा तो हम कह रहे थे, हमें बिल्कुल जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो जो चीजें हैं उसको, अगर वैक्सीन भी आ जाए और कुछ लोगों को मिल जाए तो उसको वो मास्क का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए इस समय। वो सारे जो प्रिकॉशन पब्लिक हेल्थ के जो आपके माध्यम से कई बार और हर तरफ से बोले जा रहे हैं, उसका निरंतर इस्तेमाल करना जरूरी रहेगा अगले एक साल तक कम से कम, तो वो बहुत जरूरी है और इसको बिल्कुल बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल, इसी के साथ आयुष्मान भव के आज के अंक का समय यही पूरा हो रहा है। डॉक्टर रॉय आपका, डॉक्टर त्रेहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आयुष्मान भव के लिए समय देने के लिए। तो देखा आपने कि कोरोना का प्रभाव शरीर के कई अंगों पर दिख सकता है, खासकर हमारे दिल पर भी इसका असर पड़ सकता है, इसे लेकर अध्ययन भी जारी है, इसलिए एहतियात और सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। कोविड से जुड़े सभी नियमों का पालन कीजिए और आज बताई गई सलाह और सुझाव पर गौर करिए और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।